सो भाई ये देखो पैकिंग जा रही है यहाँ पे। हाफ जा रहा है भैया, ये खाने के, ये खाने के लिए जा रहा है। अच्छा ये देखो भाई क्या बात है, क्या बेहतरीन जो है यहाँ पे लग रहा है। ये देखो भाई ये प्याज आ गई इसके अंदर, ये मिर्च आ गई, ये आपका चुकंदर भुनी मिर्च, और ये मक्खन आप डाल के देते हैं। ये 40 रुपये का भैया, ये 30 है, ये 30 रुपये का है अगर आप यहाँ खाते हैं। ये देखो भैया का जो है पैकिंग जा रहा है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से जो है बना रहे हैं, प्याज वगैरह डाल के बहुत बढ़िया। ये देखो भाई हरी मिर्च, दोनों अलग अलग करनी है या करनी है? ये देखो भाई ये भुनी हुई मिर्च लगाते हो आप? जी भुनी हुई मिर्च है ये, क्या बात है भाई। ये देखो, ये लीजिए भैया जी। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम भैया। जय श्री राम जी। तो भैया कितने समय से लगा रहे हैं आप सेटअप यहाँ पे? उनको 25 ईयर्स हो चुके हैं। 25 ईयर्स हो चुके हैं? जी जी। क्या बात है भाई, 25 साल से जो है भैया यहाँ पे जो है सेटअप लगा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया जो है, देखो भैया प्लेट लगा रहे हैं सामने। भैया मसाला है आपका? हाँ जी, ये मसाला होता है, गरम मसाला, मिक्स मसाला होता है। अच्छा मिक्स मसाला, चुकंदर डाल दिया आपने? चुकंदर होते हैं, ये ग्रीन चिल्ली होती है, ग्रीन चिल्ली, ये ब्राउन चिल्ली होती है, बटर होता है। अच्छा बटर भी डालते हैं? जी। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये देखो भाई, और ये जो है सीधा कस्टमर को डिलीवर हो जाती है। आप बताइए आप क्या खाओगे? अरे भैया बिल्कुल बिल्कुल खाएंगे। भैया अभी आप जरा हमें हल्का सा अपना सेटअप दिखाइए, अपनी कढ़ी दिखाइए एक बार जरा भैया। देखो भाई क्या बात है भाई, क्या बेहतरीन जो है घोटा लगा दिया भैया ने बढ़िया तरीके से कढ़ी के अंदर। और भैया पकौड़ी आप खुद ही बनाते हैं यहाँ पे? जी पकौड़ी खुद से बनती है, बेसन की होती है प्योर। अच्छा एक बार पकौड़ी दिखाएंगे भैया उठा के? ये देखो भाई क्या पकौड़ी लग रही है भैया की, बहुत ही बढ़िया। तो भैया आपका प्राइस क्या क्या रहता है? ये 40 और 50 रहता है। अच्छा 40 और 50 रुपये। और पैकिंग जो कंटेनर हैं आपके? ये 40, 50 और 60 रुपीज़। 40, 50 और 60 रुपीज़। 60। सो भाई ये देख लो भाई, छोले चावल शिवम वैष्णो कढ़ी चावल के नाम से हैं। और भाई पूरा का पूरा जो सेटअप है इनका यहाँ पे आप देख सकते हैं, बढ़िया तरीके से लगा रहे हैं। तो भैया ये थाली भी आप लगाते हैं? हाँ जी, पराठे का यूज़ होता है यहाँ पे। अच्छा पराठे का सेटअप भी है? पराठे बनते हैं, आलू के पराठे। अरे वाह भाई वाह वाह, एक बार दिखाएंगे भैया जरा इनमें क्या क्या आपका सेटअप आ जाता है? ये राजमा चला के दिखा दीजिए एक बार भैया। देखो भाई ये हमारे छोले होते हैं, क्या बेहतरीन जो है छोले हैं भैया के, बहुत ही बढ़िया जो है छोले लग रहे हैं। ये राजमा है, ये राजमा, ये देखो भाई क्या बेहतरीन राजमा जो है भैया का लग रहा है। ये देखो भाई ये सेला बासमती के चावल है हमारे, सेला बासमती के चावल है। जी अभी कस्टमर देखो, कस्टमर सामने आ गए हैं, कस्टमर का प्लेट जो है वो लग रहा है। ये देखो भाई बहुत बढ़िया तरीके से जो है भैया कस्टमर को हैंडल करते हैं। ये देखो कस्टमर की सामने से जो है प्लेटिंग कंटिन्यूस लगाई जा रही है भाई, क्या बात है भाई। ये देखो भाई कढ़ी भी बढ़िया, एकदम बढ़िया कढ़ी है यहाँ पे। ये देखो भाई बहुत बढ़िया भाई, 2 पकौड़ी के साथ जाता है। हर प्लेट में 2 ही पकौड़ी जाती है भैया? 50, हाफ में 2 और फुल में 3। फुल में 3 जाती हैं भाई। देखो प्याज आ गया, सेम प्रोसेस। ये मसाला आपका सीक्रेट ही होगा भैया, खुद ही बनाते होंगे आप? खुद ही बनाते हैं, इसमें जितने कोड डिकोड कर रखे होंगे आपने खुद ही मसालों से बना के मिक्स करके? बड़े वाले भैया रहते हैं ना, उनके हाथ में रहता है, तो इसमें टेस्ट भी आपका अलग ही होगा भैया? हाँ मसाला टेस्ट अलग ही होता है। हाँ मतलब आपका खुद का टेस्ट होगा वो, कि आपके कार्ट पे कोई आएगा तो उसको वही टेस्ट मिलेगा? सारे खड़े मसाले होते हैं इसके अंदर। अच्छा 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 जी। तो भाई एक और प्लेट हो जा रही है यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है, ये फुल जा रही है भैया? हाँ जी ये फुल जा रही है। देखो ये फुल जा रही है क्योंकि इसमें 3 पकौड़ी आ गई, ये पहचान लिया भैया हमने अभी आपने बताया तो उससे पहचान पड़ गई पूरी की पूरी। ये देखो भाई लेकिन आपका जो हाइजीन है पूरा, मतलब एकदम साफ सुथरा आप रखते हैं? हाँ जी सफाई रखनी पड़ती है यहाँ पूरी। हाँ। और मॉर्निंग में आते ही सबसे पहले यहाँ सफाई होती है। हाँ हाँ। पूरे ठिये को धोना पानी से। जी जी। झाड़ू वाड़ू लगानी अच्छे से। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छे सफाई रखनी पड़ती है, बिना सफाई के तो कस्टमर ही नहीं आ पाएगा हमारे यहाँ। जी 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 भैया, हमारे कस्टमर बताते हैं सफाई कैसे रहती है। ये देख लो भाई यहाँ पे कस्टमर बैठ के जो है एंजॉय करते हैं। ये पूरा आप ही का है ना भैया इधर का एरिया? हाँ सारा हमारा ही। ये देख लो भाई ये सारा एरिया जो इधर का है ये इनका ही है। और यही सेटअप क्यों लगाया, मतलब आप कोई और काम भी कर सकते थे? ये हमारे फादर करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा कहानी बताइए कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे रहा है? फादर थे हमारे, थोड़ा नॉर्मल फैमिली से थे। अच्छा उन्होंने अपना सेटअप लगाया। जी जी जी। पहले रेडा रिक्शा भी चलाते थे। अच्छा उन्होंने अपना सेटअप ज्वाइन करा। अच्छा उसके बाद उनका काम अच्छा चला। अच्छा पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अब तो यहाँ बहुत काफी ठेले लग चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लोकेशन क्या आ जाती है भैया आपकी? लोकेशन होती है जी झांसी टोनाल रोड। अच्छा चर्च गेट के सामने मुजफ्फरनगर। चर्च गेट के सामने मुजफ्फरनगर। जी जी मुजफ्फरनगर का चर्च आ जाता है सामने। क्या बात है भाई, कंटिन्यूसली जो है घोटा जो है यहाँ पे लग रहा है भाई। तो भाई ये देखो पैकिंग जा रही है यहाँ पे। हाफ जा रहा है भैया? ये खाने के, ये खाने के लिए जा रहा है। अच्छा ये देखो भाई क्या बात है, क्या बेहतरीन जो है यहाँ पे लग रहा है। ये देखो भाई ये प्याज आ गई इसके अंदर, ये मिर्च आ गई, ये आपका चुकंदर बुनी मिर्च और ये मक्खन आप डाल के देते हैं। ये 40 रुपये का भी है, ये 30 है, ये 30 रुपये का है। अगर आप यहाँ खाते हैं तो 30, 40, 50 खाने के लिए पैकिंग 40, 50, 60। तो भैया थोड़ा सा आप भी अपने बारे में बताइए, आप यहाँ पे कैसे कैसे आपका स्ट्रगल रहा है? थोड़ा स्ट्रगल तो ऐसा रहा है जी कि जैसे अपना काम में भी दे, पढ़ाई भी की, पढ़ाई को समय भी दिया। अब उस बीच पापा की एक्सपायर हो गए जी जी। अब पापा एक्सपायर हो गए तो परिवार फैमिली सपोर्ट करना था जी जी। तो अब बाहर नहीं निकल पाए तो अपना काम करना पड़ा, अपना उसी काम पे रुकना पड़ा ना, फिर बाहर निकल नहीं सके। अच्छा अच्छा, जबकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बीकॉम किया? क्या किया? बीकॉम कर चुका हूँ मैं। अरे भाई साहब क्या बात है भाई, लेकिन भैया अपने काम से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं है। अपने काम से बढ़िया नहीं, इसलिए तुम छोड़ के जा सके जी जी जी। ऑफर आया बैंक से, ऑफर भी आया मेरे सामने, क्या नाम आपका, अच्छा लुधियाना साइड से, अच्छा नहीं जा पाया। अच्छा दिल्ली में भी था, दिल्ली में भी जा पाए। अच्छा क्या करे, फिर अपने काम को समय दिया, आज इस काम पे है, भगवान का सब कुछ है। अच्छा मतलब अच्छी खासी इनकम आपकी जनरेट हो रही है और फैमिली को आप अच्छा खासा सपोर्ट कर पा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। भैया अपनी टाइमिंग और बता दीजिए, किस टाइम से किस टाइम आप? 10 o'clock अच्छा। और इवनिंग 5 o'clock। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, वेलकम।